हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम रिव्यू कर रहे हैं महिंद्रा का कमर्शियल व्हीकल BMT बलेरो मैक्सी ट्रक प्लस। दिस इज़ अ CNG वर्जन। इसके अलावा आपको डीजल में भी ऑप्शन मिलता है। CNG वर्जन की कीमत है 6,48,000 अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड, ये दिल्ली की प्राइस है। और बोलेरो में पैसेंजर व्हीकल में आता है बोलेरो पावर प्लस, जिसका मैंने रिव्यू कर रखा है, आप ऊपर लिंक पर देख सकते हैं। और इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो 170 mm का मिलता है, कर्व वेट 1470 का। अगर आप डीजल वर्जन लेते हैं तो उसमें आपको ग्राउंड क्लीयरेंस ज़्यादा मिलती है, कर्व वेट भी ज़्यादा मिलता है। और इसका कार्गो एरिया 40.6 स्क्वायर फीट का मिलता है। लेंथ विड्थ हाइट देख सकते हैं आप। और पेलोड इसकी कैपेसिटी होती है 1150 किलो की। और इसमें आपको 15 इंची के टायर मिलते हैं, 195/80 R15, ये रेडियल टायर हैं। यहाँ पे बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस CNG की बैजिंग, ORVM डोर हैंडल्स ब्लैक, एंड आप एसेसरीज में कैरियर लगवा सकते हैं महिंद्रा की तरफ से, वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 6,000 का पड़ता है। ये इसका फ्रंट लुक, बॉडी कलर्ड बम्पर्स। और अगर आप डीजल वर्जन लेते हैं तो आपका विड्थ सेम रहता है, लेंथ हाइट एंड व्हील बेस डिफरेंट होता है, डीजल वर्जन में ज़्यादा होते हैं CNG के कंपैरेटिवली। और यहाँ पे फॉग लैंप नहीं मिलते हैं, फॉग लैंप किसी भी वेरिएंट में या किसी भी वर्जन में नहीं है। स्टाइलिश रैप अराउंड हेडलैम्प्स, और इसकी ये बोल्ड फ्रंट ग्रिल काफ़ी बोल्ड लुक देती है गाड़ी को। कलर्ड बम्पर्स। और अगर इसकी ब्रेक की बात करें तो डिस्क मिलते हैं आगे और ड्रम पीछे, और मिनिमम टर्निंग रेडियस का 5.5 मीटर्स है। स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड चेसिस पे बनी है गाड़ी, और ये कुछ ऐसा खुलता है कार्गो एरिया। इसके अलावा एसेसरीज में ओपन बॉडी एंड क्लोज बॉडी का ऑप्शन मिलता है महिंद्रा की तरफ से। 18 ग्रेज की अगर आप ओपन बॉडी लेते हैं तो वो आपको पड़ती है 25,500, और वही क्लोज बॉडी आपको पड़ती है 28,000 की। अगर आप 16 ग्रेज की लेते हैं वो आपको 32,000 की पड़ती है। और इसका सस्पेंशन फ्रंट एंड रियर में रिजिड लेफ्ट स्प्रिंग का मिलता है, जो किसी भी टेरेन को आराम से हैंडल कर लेता है। और इसमें कुछ बेनिफिट मिलते हैं, 1 ईयर की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी मिलती है इस गाड़ी में, स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड चेसिस जैसे मैंने बताया, और इसका सर्विस नेटवर्क अच्छा है। और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी अच्छी है, 146 लीटर्स, 28 किलो की इसकी कैपेसिटी है CNG में। बात करते हैं इंटीरियर्स की, डुअल टोन इंटीरियर मिलता है आपको ग्रे एंड ब्लैक में। और यहाँ पे आपको वाटर बॉटल होल्डर, डॉक्यूमेंट होल्डर, फायर एक्सटिंग्विशर जैसे यहाँ पे मिलते हैं ऑप्शन। अगर आप डीजल वर्जन लेते हैं तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर का ऑप्शन नहीं मिलता है, ये सिर्फ CNG वर्जन में। और यहाँ रीडिंग लैम्प, पीछे ही रीडिंग लैम्प मिलता है आपको, आगे नहीं मिलता है। ये सीट बेल्ट और इंटीग्रेटेड ग्लव बॉक्स काफ़ी काम आता है पेपर्स वगैरह रखने में। और ये ग्रैब हैंडल, ये कुछ ऐसा दिखता है। और ऊपर यहाँ पे छोटा सा स्पेस दिया हुआ है पेपर्स या वॉलेट वगैरह रखने के लिए। और इसमें एसेसरी सॉकेट मिलता है, बहुत ही यूज़फुल फीचर है ये मोबाइल चार्ज करने के लिए। और नीचे हेडलैम्प लेवलिंग का बटन। कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं। और ये एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे ही आपको ड्राइवर साइड की तरफ मिलता है। और ये इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, सिंपल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, फ्यूल स्पीड एंड टेम्परेचर का ही है इसमें गॉजेस। और यहाँ पे छोटा सा कभी होल, और यहाँ पे कोई फ्रंट मैप पॉकेट्स नहीं मिलते हैं। मैनुअल विंडो, में आपको पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड हैंड ब्रेक आपको ड्राइवर साइड के राइट हैंड साइड पे मिलती है, गियर के वहाँ नहीं मिलती एज यू कैन सी। और ये इसकी टॉप स्पीड है 115 किलोमीटर पर आर, और ये कुछ ऐसा दिखता है एलिमिनेशन के साथ, ओल्ड स्कूल टाइप इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। और इसकी अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो 5 गियर्स प्लस 1 रिवर्स। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं, ये लॉक एंड अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं आप। और यहाँ पे छोटा सा कभी होल है कॉइन्स या वॉलेट या मोबाइल रखने के लिए। ये बोलेरो पावर प्लस की तरह यहाँ पे भी ऐसे ही दे रखा है। और यहाँ पे आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन मिलता है ड्राइवर साइड पे। पैसेंजर साइड के सनवाइजर में कुछ नहीं मिलता, वैनिटी लैम्प वगैरह कुछ नहीं है, रीडिंग लैम्प इधर पीछे ही मिलता है। आइए बात करते हैं इंजन की। ये MSI 2500 CNG 4 स्ट्रोक स्पार्क इंजन है, 4 सिलेंडर के साथ आता है, जो प्रोड्यूस करता है 70 BHP की पावर और 181 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और इसकी माइलेज कंपनी क्लेम करती है 17.7
किलोमीटर पर लीटर, जो काफ़ी अच्छी है कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से। मैक्सी ट्रक के अलावा एक और पिकअप आता है, पिकअप वेव भी, जो इससे काफ़ी अलग है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये गाड़ी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।